Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says calculate the time required to heat 20 kilogram of water from 10 degree Celsius to 35 degree Celsius using an immersion heater rated 1000 watt. Assume that 80% of the power input is used to heat the water. Specific heat capacity of water is given. Okay, so देखो हमारे पास 20 kilogram water है. एंड इसका टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस. सो कितना हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज एम सी डेल्टा टी. मास कितना है 20. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, दैट इज 4200. एंड कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है 10 से 35. सो चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज 35 माइनस 10, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, राइट. सो डेल्टा टी विल बी 25. सो ये कितना आएगा, दिस विल बी, लेट्स सी कितना आता है, कितना हीट रिक्वायर्ड. सो 20 इंटू 4200 इंटू 25, सो दैट इज 21 1 2 3 4 5. सो ये आ रहा है 21 1 2 3 4 5 जूल. इतना हीट आपको सप्लाई करना है. एंड आपके पास जो हीटर है That is 1000 watt का है, but 80% उसका efficiency है. So 1000 का 80% आप find out करो, 80%. So this will be 800 watt. So 800 watt. What means 800 joule per second. So हम heat किस rate से supply करते हैं? 800 joule per second. So कितना time लगेगा? आपको कितना हीट सप्लाई करना है 21 इंटू 10 रेस टू द पावर 5 जूल. किस रेट से आप सप्लाई करते हो? 800, राइट, जूल पर सेकेंड. सो दिस विल बी इन सेकेंड. कितना टाइम लगेगा? दिस विल बी इन सेकेंड. सो लेट्स सी कितना आता है, डिवाइडेड बाय 800. सो दिस विल बी इन सेकेंड. आपको मिनट में फाइंड आउट करना है, देन फर्दर इसे आप डिवाइड करो बाय 60 से डिवाइड करोगे 43.75. So 43.75 मिनट लगेगा. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.